सो धातु रोग जो है वो बेसिकली एक मिक्स सिग्नल कन्फ्यूजन प्रोसेस है। एक तरफ तो आपका शरीर आपको सिग्नल दे रहा है कि आप जवान हो गए हो, अब आपको बाहर जाके सेक्स करना है और बच्चे करने हैं। दूसरी तरफ आज की दुनिया में आपको परफॉर्म करना है, हेल्दी रहना है, अपने एग्ज़ाम देने हैं, उसमें परफॉर्म करना है। तो जब आपके शरीर और आपके माइंड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तब जाके धातु रोग बनता है। एक तरफ तो आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी बने, आप एग्ज़ाम दे पाओ, रनिंग करो, ट्रेनिंग करो, शरीर में ऊर्जा रहे। दूसरी तरफ आपका सीमन डिस्चार्ज हो जाता है या अंदर का पानी निकल जाता है। पूरा मैंने आगे डिस्क्राइब किया है वीडियो में, ये मैंने बीच में एक एडिशन बनाया है। अगर आपको धातु रोग को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको लाइफ में गोल क्या है। अगर आपका लाइफ का गोल है कि नहीं मुझे पढ़ना है, एग्ज़ाम निकालने हैं, तैयारी करनी है, ट्रेनिंग करनी है, तो आपको धातु रोग ट्रीट करने के लिए चार स्टेप्स है। उस चार स्टेप्स में एक्सरसाइज, दवाई, किगल्स और डी फोकस थेरेपी है, जिसके बारे में मैंने आगे बताया है। वो करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिलेगा, पर उस समय आप साथ में गर्लफ्रेंड से बात करना, फ़ोन पे बतियाना, हस्त मैथुन नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ अगर आपको सेक्स करना है, वाइफ से मिलना है, गर्लफ्रेंड से मिलना है, तो फिर धातु रोग को एक्सेप्ट कीजिए, वो आपकी पार्ट ऑफ लाइफ है। धातु रोग के ट्रीटमेंट में ब्रह्मचर्य का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में मैं वीडियो में आगे बताया है। तो अब हम वीडियो को पूरा सुनेंगे। ये मैंने बीच में एक मिनट का सिर्फ इसलिए डाला था क्योंकि कुछ मरीज़ बोलते हैं कि सर आप बिल्कुल क्विकली बताया करो, तो क्विकली हम मैंने आपको समराइज़ कर दिया, पर अब वीडियो स्टार्ट होता है। थैंक यू। धात या धातु रोग, धात मतलब पेशाब के साथ, टट्टी के साथ, नाइट में, मॉर्निंग में, इनवॉलेंट्री, बिना आपके चाहे हुए सफ़ेद पानी का निकल जाना और उससे होने वाली प्रॉब्लम्स, जिसको धातु रोग बोला जाता है। और आज हम इसी के बारे में जो है बात करेंगे। धातु रोग एक सेक्सुअल मिथ है या सच्चाई है? धात होती क्या है? क्या धात निकलने से वीकनेस आती है? और क्या धात का कोई इलाज है? हम इसके बारे में आज बहुत डिटेल में बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर विजयंत गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली में एक पुरुष रोग विशेषज्ञ या एंड्रोलॉजिस्ट, जो मर्दों की समस्याओं का साइंटिफिक इलाज करता है। मेरे सेक्सुअल मिथ मतलब कि ऐसी चीज़ें जिनको लेके हमारे आज के यूथ में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनको ठीक करने के बारे में काफ़ी वीडियोज़ है, जैसे हस्त मैथुन, नाइटफॉल, सीमन डिस्चार्ज, स्पर्म काउंट, सीमन का गाढ़ापन, ये वीडियो आप देख सकते हैं। पर इन वीडियोस को बनाने से मुझे एक प्रॉब्लम हुई है, और वो प्रॉब्लम ये हुई है कि मेरे को ट्रोलिंग या बैक स्लॉट या ऑन स्लॉट कह लो या कुछ भी कह लो, मतलब इतने लोग हैं जो आके मेरे क्लिनिक पे मुझसे कई बार गुस्सा होते हैं या मेरे यूट्यूब पे गुस्सा होते हैं कि सर आपने जो बात बोली है कम्प्लीटली गलत है, आप हस्त मैथुन को बढ़ावा दे रहे हो। मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बहुत कैटेगोरिकली बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये वीडियोस, हर चीज़ में कुछ सच्चाई होती है और कुछ एडिशन होता है। कुछ भी चीज़ कम्प्लीटली ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, एक ग्रे एरिया होता है। मेरी कोशिश ये रहती है कि मरीज़ों को डर से निकालो। अगर मरीज़ अपनी बीमारी को डीप में समझ पाएगा तो ही उसका इलाज करा पाएगा, और अगर उसको बीमारी से एक डर बन जाएगा कि हस्त मैथुन करोगे तो आपको इरेक्शन में ख़त्म कमी आ जाएगी, अगर नाइटफॉल होगा तो आप कमज़ोर हो जाओगे, तो वो एक तो अपना इलाज नहीं करा पाएगा, दूसरा हमेशा गिल्टी महसूस करेगा, हमेशा महसूस करेगा कि उसमें कोई कमी है, उस कारण से वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा, और तीसरा अननेसेसरी इलाजों में, अननेसेसरी चीज़ों में खर्चा करता चला जाएगा, जिससे वो अपनी आर्थिक या फाइनेंशियल हेल्थ भी साथ में डैमेज करेगा। तो आज के टॉपिक में हम धातु रोग को थोड़ा डीप में समझेंगे। धातु रोग होता क्या है? धात कहाँ से निकलती है? इस धात को कंजर्व करने से क्या आप सुपरमैन बन जाएंगे? और इस धातु रोग के का क्या कोई इलाज है? और इलाज है तो क्या वो कितना महंगा है या किस टाइप का है? इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेंस हेल्थ में लेके बहुत सारी डिफरेंट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम मंगलवार को आपके लिए लाइव लेके आते हैं, जिसमें हम मेंस हेल्थ के डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स को लाते हैं ताकि आपकी नॉलेज बढ़ सके। और फ्राइडे को यूजुअली हम एक टॉपिक पकड़ते हैं जिस पे आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज देते हैं। आप चाहे तो मुझसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर इन्हीं मुद्दों पे हम और डिफरेंट तरीक़ों से बात करते हैं। तो जो धात है, धात हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका,
और कुछ लगती हुई कंट्रीज जैसे वियतनाम, मलेशिया, इनमें ज़्यादा एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एंशंट कल्चर है या जो हमारी जो एंशंट पद्धति है या हमारी जो इतनी रिच हेरिटेज है, उसमें जो धात है या सीमन है या धातु है उसको बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। पुराने टाइम से धातु को जो है, जो कहते हैं जो सबसे जैविक फोर्स है शरीर की, जिससे हम एक नया बच्चा या नई पीढ़ी पैदा कर सकते हैं, उसको कंजर्व करने पे, उसको शरीर के अंदर रोकने पे बहुत जोर दिया गया है। और धातु की इतनी मतलब इम्पोर्टेंस बताई गई है कि अगर उसको बिना मतलब के वेस्ट किया जाए तो उससे कई कमजोरियां बताई गई है, जैसे कि शरीर का पतला होना, सीमन का पतला होना, सेक्स एनर्जी ख़त्म होना, शरीर ना बनना, शरीर के अंदर कलर जाना, गाल पिचक जाना, चेहरा काला पड़ जाना, लिंग छोटा हो जाना, गोलियां छोटी हो जानी। और इस कारण से बताया गया है कि अगर आप धातु को कंजर्व ना करें और अगर आपका धातु जो है बिना बात के या बिना मतलब के गायब हो रहा है या शरीर से निकल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसमें कुछ सच्चाई भी है और कुछ गलत भी है। ऑब्वियसली सीमन को वेस्ट करना जो है वो एक ठीक बात नहीं है। मास्टरबेशन करना इज़ हेल्दी, बट मास्टरबेशन लिमिट में हो। नाइटफॉल बीमारी नहीं है, पर अगर नाइटफॉल रोज़ हो रहा है तो दिक्कत है। उसी तरह धात का निकलना कोई बीमारी नहीं है, धात तो बनेगा शरीर में, धात तो सीमन है, वो तो बनना ही बनना है। पर तो जैसे हम बात कर रहे थे कि जो धात है, अगर धात ज़्यादा गिर रही है तो ऑब्वियसली दिक्कत है, पर कुछ अमाउंट में धात या कुछ अमाउंट के अंदर सेमिनल एमिशंस होना नॉर्मल है और हर आदमी में या हर जो यंग आदमी है जिसके अंदर एनर्जी है, जो फुल ऑफ एनर्जी है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन है, जिसके अंदर एक्सरसाइज है, जिसके अंदर सेक्सुअल लिबिडो है, डिज़ायर है, उसमें थोड़ी बहुत धात बनेगी भी और निकलेगी भी। यह धात बनती क्या है, कहाँ कन्फ्यूजन आ रहा है? कन्फ्यूजन यहाँ आता है कि जो हमारे ट्रेडिशनल टेक्स्ट है वो धात को सीमन से कन्फ्यूज़ करते हैं। वो कहते हैं पूरा जो धात है या पूरा का पूरा जो सफ़ेद पानी है या जो ये निकलता है ये टेस्टिस में बनता है और टेस्टिस से निकलता है, जबकि ये साइंटिफिकली गलत है। जो टेस्टिस है वो स्पर्म मतलब जीवाणु, मतलब शुक्राणु, मतलब उनको प्रोड्यूस करता है, और स्पर्म जो है वो पूरे जो सेमिनल डिस्चार्ज है उसका बहुत लिमिटेड क्वांटिटी होती है, सिर्फ 0.5% या 1% ही स्पर्म होता है। रिमेनिंग जो सफ़ेद पानी है वो प्रोस्टेट बनाता है, मसाने का मुंह या ब्लैडर का मुंह बनाता है, जो हमारे पूरे लिंग के अंदर जो ग्लैंड्स है, बल्बो कैवर्नस ग्लैंड्स है, आपके जो कॉर्पोरा के पास जो ग्लैंड्स है, आपके जो सारे जो लिटर्स ग्लैंड्स है, ये सारे ग्लैंड्स जो है पानी बनाते हैं और ये सारा पानी इकट्ठा होकर फाइनली सीमन बनता है। अब होता क्या है कि जब आदमी यंग होता है, जब आदमी 18 साल का होता है, 20 साल का होता है, 22 साल का होता है, तो उसमें एनर्जी होती है, टेस्टोस्टेरोन दबा के बनता है, और उस केस में उस आदमी के अंदर रोज़ 5, 7, 10, 15 ml सफ़ेद पानी की प्रोडक्शन होती है। उस सफ़ेद पानी को और स्पर्म को अलग रखा जाता है, और जब आदमी नॉर्मली इंटरकोर्स करता है या संभोग करता है उस समय उस सफ़ेद पानी में स्पर्म जाता है और ये पूरी सेमिनल डिस्चार्ज बाहर निकलती है। पर धात के मरीजों में ये सीमन है, जो ये वाइट पानी है, अगर इसको चेक कराया जाए तो इसके अंदर स्पर्म की संख्या कम होती है या नहीं होती, क्योंकि ये एक्चुअली सीमन नहीं है, ये एक्चुअली सफ़ेद पानी है जो इन सारे ग्लैंड्स में से बन रहा है। ईरान एक कंट्री है, ईरान के अंदर भी हमारी तरह धात रोग की प्रॉब्लम चलती है मरीजों में। तो ईरान के अंदर एक साइंटिस्ट ने स्टडी किया, उन्होंने इन मरीजों के जो सुबह सुबह जो सफ़ेद पानी निकलता है या सुबह सुबह जो ये डिस्चार्ज निकलता है उसको चेक कराया कि उसमें स्पर्म है या नहीं है। तो सिर्फ 10% लोगों के अंदर स्पर्म मिले, रिमेन 90% लोगों में सफ़ेद पानी में कुछ भी नहीं मिला। पर फिर भी मरीज़ परेशान रहते हैं कि सफ़ेद पानी आ रहा है, सफ़ेद पानी गाढ़ा है, सफ़ेद पानी चिपचिपा है, सर टट्टी करने के बाद निकलता है तो निकलेगा, कॉन्स्टिपेशन है, अगर टट्टी अगर बहुत हार्ड है, जोर लगाएगी तो जो पीछे स्टोरेज एरिया है, जो सेमिनल वेसिकल एरिया है, वहाँ पर जो भी पानी इकट्ठा है वो निकल जाएगा। कई बार अगर पेशाब है, अगर रात को आपको नाइटफॉल हुआ है या नहीं हुआ है और रात को आपको सपना आया है और सीमन का थोड़ा सा डिस्चार्ज हुआ है, तो सुबह पेशाब से पहले या पेशाब के बाद निकलेगा। पर उसको निकलने से क्या आपके शरीर में वीकनेस आ सकती है? तो इसका जवाब है हाँ और ना, दोनों। अगर तो ये डिस्चार्ज लिमिटेड है, बहुत कम मात्रा में निकल रहा है, मरीज़ को ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मे बी हफ्ते में एक बार या दो हफ्ते में एक बार निकल रहा है, तो यूजली वीकनेस नहीं आती। पर अगर किसी मरीज़ को सेमिनल एमिशन रोज़ हो रहे हैं, रोज़ ही डिस्चार्ज हो रहा है, रोज़ ही सीमन निकलता है, रोज़ सफ़ेद पानी निकलता है, तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ वीकनेस आ सकती है।
पर फिर कंफ्यूजन आता है, पेशेंट्स आगे बोलते हैं सर हम वीक हो रहे हैं, हमें अपनी सेक्स एनर्जी भी बढ़ानी है पर साथ में हमको अपना सीमन डिस्चार्ज भी कम करना है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, ये दोनों चीज़ें ऑपोजिट है। एक तरफ तो हम चाहे कि शरीर का सीमन ना निकले, धात ना निकले, डिस्चार्ज ना हो, और एक तरफ चाहे कि पेशेंट का जो सीमन है वो बहुत गाढ़ा हो जाए और पेशेंट बहुत सेक्सुअली एक्टिव हो जाए। अगर मैं पेशेंट को सेक्सुअल एक्टिविटी की दवाई देता हूँ तो पेशेंट के अंदर इच्छा शक्ति बढ़ जाती है और सीमन डिस्चार्ज ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़ेगा। और एक तरफ मैं पेशेंट को अगर दवाई दूँ कि उसका जो ये धात है ये कम हो जाए या जो धात है वो कम बने, तो ऑब्वियसली उसके अंदर सेक्सुअल एनर्जी या सेक्सुअल इंटरेस्ट जो है कम होगा। तो अगर आपको धात से पीड़ित हो तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है, तो धात से अगर आप पीड़ित हो और आपको समझना है कि धात का इलाज कराना है, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कुछ समय के लिए कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हो कि हम गर्लफ्रेंड से मिलेंगे, इंटरकोर्स भी करेंगे, सेक्स भी करेंगे, तो आपका धात रोग जो है कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि आपके शरीर में दोनों सिग्नल्स, एक तरफ सिग्नल जा रहा है कि आप सेक्स करो, एक तरफ सिग्नल जा रहा है कि आप सेक्स मत करो, दोनों सिग्नल कंबाइन होके कन्फ्यूजन करेंगे। तो अपने दोनों सिग्नल्स को आपको मतलब आइसोलेट करना पड़ेगा अपनी रिकवरी तक, अपनी सेक्सुअल रिकवरी तक, अपने जब तक आपका चेहरा ना खिल जाए, जब तक आपको ना लगे कि हाँ अब मैं तंदुरुस्त हूँ, तब तक आपको अपनी सेक्सुअल एनर्जीज को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको ब्रह्मचर्य या जो आइसोलेशन है या सेलिबेसी है उसको अपनाना पड़ेगा। जब सेलिबेसी अपनाएंगे तो उसके साथ में फिर इसकी जो ट्रीटमेंट्स है, जैसे कीगल एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल होती है, कुछ मेडिकेशंस है जो सीमन के प्रोडक्शन को कम करती है, कुछ मेडिकेशन है जो सीमन के डिस्चार्ज को कम करती है, कुछ मेडिकेशंस है जो आपकी एनर्जी को इंक्रीज़ करती है, तो वो आपको मेडिकेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। साथ में आपको एक्सरसाइज में अपनी एनर्जी को एक्सपेंड करना पड़ेगा। आप अगर सोचेंगे कि मैं घर पे पड़ा रहूँ बिस्तर पे और मेरा धार ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको जो आपकी एनर्जी सीमन में जा रही है, आपको उसकी एनर्जी को अपने शरीर में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। आपको उसके लिए एक्सरसाइजेज, रनिंग, जिम करना पड़ेगा, प्लस अपने आप को डी फोकस मतलब अपनी एनर्जी को सेक्स से हटाकर किसी भी वर्थफाइल काम में, IAS की परीक्षा कर रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, पुलिस ट्रेनिंग का कर रहे हो, उसके अंदर फोकस करना पड़ेगा। जब आप ये चार स्टेप्स अपनाएंगे, चार स्टेप्स मतलब एक्सरसाइज, एनर्जी को डी फोकस, मेडिकेशन और कीगल्स, तो इन चारों के कॉम्बिनेशन से आपको आपके धात में भी फ़र्क पड़ेगा, बॉडी में एनर्जी भी आएगी, बॉडी को फिर से लगेगा कि हाँ हम सेक्सुअल एनर्जी को कंजर्व कर पा रहे हैं। पर अगर आप उसके साथ में मास्टरबेशन भी करेंगे, उसके साथ में गर्लफ्रेंड से भी मिलेंगे, उसके साथ तो फिर चिपचिपा पानी और आपको जो भी डिफ़िकल्टीज है वो साथ में आएगी। अगर आप डिसाइड कर चुके हो कि नहीं अब हमारा मैरिज का टाइम है, हमारी शादी का टाइम है, हमें वहाँ फोकस करना चाहिए, तो फिर उसकी मेडिकेशन अलग है, उसमें फिर हम आपको उस तरह से दवाइयाँ देंगे कि आपकी सेक्सुअल एनर्जी बढ़े, आप ज़्यादा डिस्चार्ज कर पाओ, वाइफ से मिल पाओ, प्रेगनेंसी कर पाओ, और उसके बाद जब आपकी बॉडी नेचुरली डिस्चार्ज होगी, सारा सीमन निकलेगा, तो फिर आपका धात उसके बाद कम होना स्टार्ट होगा। तो मोटा मोटा इस वीडियो में अगर हम समझे, इस मुद्दा को समझे, तो धात रोग कोई बीमारी नहीं है। धात रोग एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है जिस कारण से मरीज परेशान रहते हैं। अगर आपको धात रोग है तो आपको धात रोग को कंट्रोल करना पॉसिबल है और धात को कम करना भी पॉसिबल है। धात रोग की ट्रीटमेंट के अंदर सारी मेहनत मरीज़ की है, डॉक्टर की मेहनत बहुत कम होती है, और धात रोग की ट्रीटमेंट बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। धात रोग के अंदर लाखों रुपए का कोर्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लोकल जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करने का भी फ़ायदा नहीं है। तो इस वीडियो में हमने समझा कि धात होता क्या है, धात रोग से प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है और धात रोग कंट्रोल कैसे किया जाए। अगर इस वीडियो को लगा आपको कि इसमें मैंने जो बताया है वो गलत है या वो सही नहीं है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसको करेक्ट करूँगा। अगर आपको लगता है कि आपकी नॉलेज धात रोग पे मेरे से ज़्यादा है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको चैनल पे लाइव बुलाऊंगा ताकि हम बाकी मरीज़ों से बात कर सके और क्वेश्चंस को लाइव ले सके। और चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।